फ्रेंड्स हमने 8 इंच का रिंग लिया है, उसको हम पिन की सहायता से अटैच कर लेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हमने सफ़ेद कलर का धागा लिया हुआ जिसकी लंबाई 4 मीटर है, उसको हमने फोल्ड कर लिया है। इस रिंग की सहायता से हम इसको अटैच कर लेंगे। उसी प्रकार फ्रेंड्स हमने सफ़ेद कलर का एक और धागा लिया है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, उसी प्रकार से हमने उसको भी अटैच कर दिया है। उसके बाद फ्रेंड्स हमने दूसरा धागा लिया हुआ है जिसकी लंबाई 4 मीटर है, उसको भी हमने फोल्ड कर लिया है। और बीच के जो दो धागे हैं उसमें हमने लाल कलर का फिर से एक मोती डाल लिया है। उसके बाद हमने दोनों तरफ से एक एक धागा लेके हमने फिर से सिंपल सा एक नॉट लगा लेंगे। दूसरी साइड भी फ्रेंड्स हमने 4 मीटर का धागा लिया हुआ है, उसमें भी हम बीच के धागे में लाल कलर का मोती डाल लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम फिर से एक नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम जो बीच के दो धागे हैं देखिए फ्रेंड्स, उसमें हमने हरे कलर का एक मोती डाल लेना है। उसके बाद हम साइड से दो धागे लेंगे, उसमें भी एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। उसके बाद फिर से हमने सफेद कलर का धागा लिया हुआ जिसकी लंबाई 4 मीटर है, फिर से हमने एक लाल कलर का मोती डाल लेना है। उसके बाद फिर सिंपल सा हम एक और नॉट लगा लेंगे। साइड से भी हमने एक 4 मीटर का धागा लिया हुआ है, उसके बीच के धागे में हम एक लाल कलर का मोती डाल लेंगे। उसी प्रकार हम साइड से दो धागे लेंगे और सिंपल सा एक नॉट लगा लेंगे। फ्रेंड्स देखिए हमने इस तरह से मोती डाल लिए हुए हैं। इसी प्रकार से हम कंटिन्यू मोती डाल के नॉट लगा लेंगे। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसी प्रकार से हम सारे मोती और नॉट लगा लेंगे।
फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमने 7 मोती डाल लिए हुए हैं। 60 के धागे में हम एक पिन फंसा लेंगे, उससे क्या है धागा खींचेगा नहीं, और उसी के धागे की सहायता से हम पाइपिंग करते जाएंगे नीचे के धागे से। देखिए फ्रेंड्स इस प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे हर धागे को उठाकर। फ्रेंड्स इसी प्रकार से हमने सारी पाइपिंग कर ली है। अब सब साइड के धागे में हम दोनों धागे हम साइड से हटा देंगे और बीच के दो धागे हैं उसमें हम दो नीले कलर के मोती डाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से हम दो नीले कलर के मोती डाल लिए हैं। उसके बाद हमने दो धागे छोड़ दिए हैं, उसके बाद फिर से हमने दो धागे उठाए हैं, फिर से हम दो नीले मोती डाल लेंगे। फिर से हमने दो मोती डाल लिए हैं, उसके बाद फिर हम दो धागे छोड़ देंगे, उसके बाद फिर दो धागों में हम नीले मोती दो डाल लेंगे। इसी प्रकार से बारी बारी से सारे मोती डाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स हमने डाल लिए हुए हैं। इसके बाद जो साइड का एक धागा है उसमें हम पिन फंसा लेंगे, इसे क्या है कि हमारा धागा खींचेगा नहीं, और हम इस प्रकार से फिर से पाइपिंग कर लेंगे बारी बारी से सारे धागों से हम पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड इसी प्रकार से हम सारे धागों में हमने पाइपिंग कर ली है। साइड से हमने 4 कॉर्ड लिए हैं जिनमें हम सिंपल सा एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड हमने फिर से 4 धागे लिए हुए हैं जिनमें सिंपल सा एक नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम कंटिन्यू नॉट लगा लेंगे।
सेकंड्स हमने देखे नॉट लगा ली हुई है। इस साइड से हम दो दो धागे छोड़ देंगे। उसके बाद हम फिर हमने चार धागे लिए हैं, उसमें भी हम उसी प्रकार से नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम कंटिन्यू धागों में नॉट लगा लेंगे। हमने दूसरी लाइन भी कंप्लीट कर ली हुई है। हम फिर साइड से दो धागे इधर से और दो धागे उधर से छोड़ देंगे। फिर से हम चार धागे उठाएंगे और फिर उसमें भी हम सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। फिर से फ्रेंड्स हम कंटिन्यू उसी प्रकार से हम नॉट लगा लेंगे। फ्रेंड उसी प्रकार से हमने सारे धागों में नॉट लगा लिया है। आठ धागों में हमने नॉट नहीं लगाया है। आठ धागों के बीच में जो दो धागे हैं उसमें हमने गणेश जी का तिलक के लिए हमने दो मटका शेप के मोती लिए हुए हैं। दो मटका शेप के जो मोती हैं वो हम में डाल लेने हैं। उसके बाद हम एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। साइड से हमने एक धागा लिया है और उसके बाद हम हर धागे से पाइपिंग करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमें इसी तरह से पाइपिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स हमने एक साइड हमने पाइपिंग कर ली है, दूसरे साइड से भी हमने पाइपिंग कर ली है। फ्रेंड्स हमने जो फोर धागे हैं जो बीच में उसमें से एक धागा हम लेंगे और फिर उसी प्रकार से हम दूसरे साइड की तरफ से हम पाइपिंग करते जाएंगे।
फ्रेंड देखिए हमने पाइपिंग कर ली हुई है। लास्ट में जो 5 धागे बचे हैं उसमें हम अब ना उसमें थोड़ा थोड़ा सा लूज करते जाएंगे पाइपिंग करते हुए। देखिए फ्रेंड्स हमने थोड़ा सा लूज किया हुआ है पहले धागे में, फिर दूसरे धागे में हम उससे भी थोड़ा सा ज़्यादा लूज कर देंगे। इसी प्रकार से हम सारे धागों को थोड़ा थोड़ा सा लूज करते जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने इसी प्रकार से लूज करते हुए हमने एक तरफ की पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। फ्रेंड्स हमने जो 4 धागे छोड़े हुए थे उसमें से भी हमने एक धागा लिया है, उसमें भी हम पाइपिंग कर लेंगे इस तरह से। देखिए फ्रेंड इसी प्रकार से हमने साइड से हमने 5 धागे छोड़ दिए हैं। उसके बाद हमने 2 धागे लिए हैं, उसमें हम गणेश जी की आँख में एक मोती डाल लेंगे आँख के लिए। देखिए फ्रेंड्स हमने गणेश जी की आइस के लिए हमने एक मोती डाल लिया है। उसके बाद हम फिर से पाइपिंग कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड इसी प्रकार से हमने पाइपिंग करते हुए हमने गणेश जी की एक आइस कंप्लीट कर ली है। इसी प्रकार से अब हमने दोनों तरफ से कंप्लीट कर ली हुई है। इसके बाद हम गणेश जी को पलट लेंगे। हमने जो धागे पाइपिंग के लिए छोड़े थे उसी धागे में हम गणेश जी को पीछे की तरफ से बांध लेंगे थोड़ा डिस्टेंस देते हुए। ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे नहीं तो गणेश जी की शेप नहीं आएगी। धागे में हम पिन लगा लेंगे, इससे क्या है धागा हमारा खींचेगा नहीं। और फिर हम नीचे के धागे से पाइपिंग करते हुए बारी बारी से हम पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड हमें इसी तरह से पाइपिंग करनी है।
प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पाइपिंग कर ली है। अब इसके आगे की पाइपिंग करते हुए हम आगे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पाइपिंग कर ली है। उसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने पहले धागा बांधा था, उसी प्रकार से हम अब दूसरे धागे में थोड़ा सा टाइट करते हुए हम बांध लेंगे। फिर से फ्रेंड्स हम पिन लगा लेंगे। इससे क्या है, धागा खींचेगा नहीं और हमारे गणेश जी की शेप अच्छी बनी रहेगी। उसी प्रकार से हम फिर से पाइपिंग करते हुए सारी पाइपिंग कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पाइपिंग कर ली है। अब आगे पाइपिंग करके हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पाइपिंग कर ली है। अब तीसरे धागे में भी हम उसी प्रकार से थोड़ा सा डिस्टेंस देते हुए थोड़ा सा टाइट कर लेंगे। हर धागे में हम थोड़ा थोड़ा सा टाइट कर लेंगे और फिर उसको भी उसी प्रकार से हम बांध लेंगे पिन लगा के। देखिए फ्रेंड्स, हमने 5 लाइन तक कंप्लीट कर लिया है। दोनों तरफ हमने बराबर बराबर धागे छोड़ दिए हैं। बीच के हमने 2 धागे ले लिए हैं, उसको हम कट कर देंगे। इसके बाद हमने लाल कलर के 2 धागे लिए हैं, इनको लाइटर की सहायता से हम जोड़ लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने दोनों धागों को जोड़ लिया है। उसी प्रकार से हम सफ़ेद धागे में हम लाल कलर धागे से हम पाइपिंग कर लेंगे। उसी प्रकार से हम बाकी धागों से पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमने 8 लाइन तक कंप्लीट कर लिया है। 9वीं लाइन में हम पूरी तरह से जोड़ लेंगे, बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं देंगे।
इसी प्रकार फ्रेंड्स हम कंटिन्यू बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स हमने 16 लाइन तक बना लिया है। अब 17वीं लाइन से हम बीच का एक फंदा कट कर देंगे और लाइटर की सहायता से हम उसको स्टिक कर देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स हम फिर से पाइपिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स जितना टाइट बना सकते हो ना उतना ही टाइट बनाओ, ढीला होगा तो फिर गणेश जी की सूंड ढीली हो जाएगी। देखिए फ्रेंड्स हमने एक लाइन बना ली है, दूसरी लाइन में भी हमें एक फंदा कट करना है। लाइटर की सहायता से फिर हम इसको स्टिक कर देंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड हमें सारी पाइपिंग कर लेनी है। देखिए फ्रेंड गणेश जी की सूंड हमारी बन चुकी है। इसके बाद हम सारे धागे कट कर देंगे। कैंची की सहायता से हम सारे धागे अंदर कर लेंगे। लास्ट का धागा है जो फ्रेंड, उसको हम लाइटर से जला के स्टिक कर देंगे। इससे क्या है हमारे धागे जो है निकलेंगे नहीं। उसके बाद हम गणेश जी को सीधा कर लेंगे। गणेश जी के कान बनाने के लिए हमने दो धागे लिए हैं जिनकी लंबाई 2 मीटर है, 2-2 मीटर है। उनको हम कैंची की सहायता से होल करके हम धागे को अंदर डाल लेंगे। दोनों धागों को सिरों को हम मिला लेंगे। इसके बाद हम ऊपर के दो धागों में हम एक लाल कलर का मोती डाल लेंगे। उसी प्रकार से हम एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम नॉट लगा लेंगे। हमने दो मीटर के फिर दूसरे दो धागे लिए हैं, उनको हम इसी प्रकार से होल करके कैंची की सहायता से हम अंदर डाल लेंगे। फिर दोनों धागों को सिरों को मिला के हमने फिर ऊपर के धागे में लाल कलर का एक मोती डाल लेना है। इसी प्रकार से हम फिर एक सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से बारी बारी से हम दो धागों को जिनकी लंबाई 2-2 मीटर है उसी प्रकार से हम मोती डाल के कंटिन्यू उसी प्रकार से नॉट लगा लेंगे।
हमने 7 मोती तक डाल लिए हैं। फ्रेंड्स, हमने 14 धागे अटैच किए हैं जिनकी सारे धागों की लंबाई 2-2 मीटर है। इसी प्रकार से हम फ्रेंड्स 2 धागे साइड से छोड़ देंगे और बीच से 2 धागे उठा लेंगे। उसके बाद हम सिंपल सा नॉट लगा लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार से हमें नॉट लगा लेनी है। फ्रेंड्स, सारे नॉट लगा लेंगे उसके बाद हमारे बाद में भी हमारे 2 धागे छूट जाएंगे। उसी प्रकार से हम फ्रेंड्स दूसरी लाइन में जो 2 धागे छोड़े थे वो धागे हम दोबारा से उठा लेंगे और फिर से एक नॉट लगा लेंगे। उसी प्रकार से फ्रेंड्स हम कंटिन्यू नॉट लगा लेंगे। लास्ट में जो 2 धागे छूटे थे ना उनको हमने उठा लिया है। उसके बाद हम 4 धागे लेकर हम उसमें नॉट लगा लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स दोनों तरफ से 2-2 धागे फिर से छूट जाएंगे और फिर उसके बाद हम उसी प्रकार से नॉट लगाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स,
वो दो धागे हमारे छोटे थे उनको फिर हमने उठा लिया है। पर तीसरी लाइन में हमने फिर से नॉट लगा लेनी है। तीसरी लाइन भी हमें उसी प्रकार से कंप्लीट कर लेनी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारी लाइन कंप्लीट हो गई है। हमने दोनों तरफ से दो दो धागे छोड़ दिए हैं। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, हमने चौथी लाइन भी कंप्लीट कर ली है। साइड से हमने दो धागे और छोड़ दिए हैं। चार धागे उठाकर हम फिर से एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद साइड से चार धागे और हम लेंगे, फिर से एक नॉट लगा लेंगे। उसके बाद साइड से हम दो धागे और छोड़ देंगे और चार धागे लेकर हम फिर से एक नॉट लगा लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी बना लेंगे। इसी प्रकार से हमारी तिकोनी डिजाइन बन के तैयार हो गई है। अब हम साइड से एक धागा उठाएंगे और नीचे के धागों से हम पाइपिंग करते हुए इस तरह से हम पाइपिंग करेंगे। इसी प्रकार से हम गणेश जी को घुमा घुमा के पाइपिंग कर लेंगे।
इसी प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे। गणेश जी को हम दोबारा से इसी प्रकार से घुमा लेंगे, उसी धागे को हम दूसरी तरफ से घुमा लेंगे और नीचे के धागों से हम उसी प्रकार पाइपिंग करेंगे। इसी प्रकार से सारे धागों से हम पाइपिंग कर लेंगे। हमारी पाइपिंग कंप्लीट, इसी प्रकार से हमारी दूसरी लाइन भी कंप्लीट हो गई है। किनारे से हमने दो धागों को साइड कर दिया है। दो धागे हम बीच से लेंगे और उसमें हम नीले कलर का एक मोती डाल लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरी बार भी दो धागों को लेंगे और नीले कलर का एक मोती डाल लेंगे। इसी प्रकार से हम दो दो धागों में एक मोती डाल लेंगे। इसी प्रकार से हमने सारे मोती डाल लिए हैं। किनारे से हमने वही धागा लिया है और नीचे के धागों से हम दोबारा से उसी प्रकार से पाइपिंग करेंगे। इसी प्रकार से हमें सारे धागों को उठा उठा कर पाइपिंग कर लेनी है। इसी प्रकार से हमने पाइपिंग कर ली है। उसी धागे को हम घुमा के दोबारा उसी प्रकार से पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हमारी पाइपिंग कंप्लीट हो गई है और हमने गणेश जी के एक तरफ से कान कंप्लीट कर लिया है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी कान तैयार कर लिए हैं। हमारे गणेश जी के कान दोनों तरफ से तैयार हो चुके हैं। अब हम गणेश जी का मुकुट बनाएंगे। गणेश जी की मुकुट बनाने के लिए हमने रेड कलर का धागा लिया है, जिसकी लंबाई हमने 1 मीटर 10 सेंटीमीटर रखी है। उसको हम इस तरह से फंसा के डबल पाइपिंग कर लेंगे। एक और धागा हमने लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर 10 सेंटीमीटर है, उसको भी हमने डबल पाइपिंग कर लेनी है।
इसी प्रकार से हमें सारी पाइपिंग कर लेनी है। हमने सारी पाइपिंग कर ली हुई है। अब हमने सफ़ेद कलर का एक धागा लिया है जिसकी लंबाई हमने 3 मीटर रखी है। उसको हम रेड कलर के धागे में इस प्रकार से डबल पाइपिंग कर लेंगे। दूसरे धागे में भी हम इसी प्रकार से डबल पाइपिंग कर लेंगे और हम कंटिन्यू इसी प्रकार से सारे धागों में डबल पाइपिंग करते हुए सारी डिजाइन बना लेनी है। हमने पाइपिंग कंप्लीट कर ली है। हमने रेड कलर का एक धागा उसी में से उठा लिया है और दूसरे धागे से हम पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम सारी पाइपिंग कर लेंगे। हमने 5 धागे उठा लिए हैं। अब हम एक धागे को लेंगे और नीचे के धागे से हम पाइपिंग करेंगे। ऊपर से हम नीचे की तरफ पाइपिंग करते हुए जाएंगे। इस प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे और फिर उस धागे को हम दूसरी तरफ को नीचे कर लेंगे। फिर नीचे के धागे से हम ऊपर और फिर नीचे इसी प्रकार से हम डिजाइन बनाएंगे। फिर ऊपर से धागा लेंगे और फिर नीचे से धागा लेंगे, फिर ऊपर से लेंगे और फिर नीचे से लेंगे। इस प्रकार से हम डिजाइन बनाएंगे। हमने दूसरे धागे में हमने हरे कलर का मोती डाल दिया है। उसी प्रकार से हम फिर से पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम पाइपिंग कर लेंगे। हमने आगे से 2 धागे ले लिए हैं, पीछे से हम 2 धागे कट कर देंगे। उसी धागे को हम फिर से दूसरी तरफ को कर लेंगे। और पाइपिंग करते हुए हम सारे धागों में पाइपिंग कर लेंगे। पहले से हमने ऊपर के डिजाइन में 2 धागे कट कर दिए थे, उसी प्रकार से हम अब ऊपर से और फिर नीचे से, फिर ऊपर से धागा लेंगे, फिर नीचे से धागा लेंगे, फिर ऊपर से धागा लेंगे, फिर नीचे से लेंगे धागा। कि हमने एक हरा मोती डाल लेना है। फिर उसी प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे। इस
इसी प्रकार से हम पाइपिंग कर लेंगे। हमने पीछे के दो धागे कट कर दिए थे, इस डिजाइन में भी हम आगे दो धागे ले लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दो धागे इसमें ऐड कर लिए हैं। हमने दो धागे ऐड कर लिए हैं। हमने पीछे से जो धागे हमने अगले डिजाइन में काट दिए थे, अब इसमें भी हम काट कर देंगे। इसी प्रकार से हम सारे डिजाइन बना लेंगे। जो कट किए हुए धागे थे उनको हम लाइटर की सहायता से स्टिक कर देंगे। इसी प्रकार से हम सारे धागे स्टिक कर देंगे। दो तरफ के डिजाइन में से जो दो धागे बचे हुए थे उनमें हम एक हरे कलर का मोती डाल लेंगे। मोती डालने के बाद हमें एक सिंपल सी नॉट लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, जो हमारे पाइपिंग में से एक जो धागा दोनों तरफ से एक एक धागे छूटे हुए थे उन्हें हम छोटे से एक गार्ड लगा के उनको हम कैंची की सहायता से कट कर लेंगे दोनों तरफ। इस प्रकार से हम कट कर लेंगे और फिर इसके बाद हम कैंची की सहायता से दोनों तरफ कट कर लेंगे। नॉट लगाई थी ना फ्रेंड, जो हमने उनमें से चार धागों में से हम दो धागे लेंगे और लाल कलर के धागे से हम पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे धागे से पाइपिंग कर लेंगे। सारे धागे उठा उठा कर हम पाइपिंग कर लेंगे। एक तरफ हमने पाइपिंग कर ली है, दूसरी तरफ जो दो धागे हमने छोड़े थे उनमें भी हम उसी प्रकार से दूसरी तरफ रेड कलर का एक धागा लेंगे और हम पाइपिंग कर लेंगे। इसी प्रकार से हम सारे धागे उठा उठा कर पाइपिंग कर लेंगे। हमने दो हरे कलर के मोती डाल लिए हुए हैं। अब हम एक एक लाल कलर का धागा छोड़ देंगे। सारे धागों में हम एक नॉट लगा देंगे।
साइड के जो दो धागे हैं उनमें भी हम हरे कलर के एक एक मोती डाल लेंगे। इस प्रकार से हम सफेद धागे में हम लाल कलर के धागे से पाइपिंग कर लेंगे। इस प्रकार से हमने एक तरफ से पाइपिंग कर ली है, उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ पाइपिंग कर लेंगे। हमने दोनों तरफ से पाइपिंग कर ली है और सफ़ेद कलर के जो चार धागे हैं उनमें हम एक हरे कलर का मोती डाल लेंगे। हमने मोती डाल लिया है, फिर से हमने एक रेड कलर का धागा उठाया है और नीचे के धागे से हम पाइपिंग कर लेंगे। उसी प्रकार से हम दूसरी तरफ भी पाइपिंग कर लेंगे। वो दो तरफ पाइपिंग कर ली है, लाल कलर से हम एक सिंपल से नॉट लगा लेंगे। सफेद कलर के जो चार धागे हैं उनको हम कट कर लेंगे। कट करके हम लाइटर की सहायता से उनको जोड़ लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरा धागा भी लाइटर की सहायता से जोड़ लेंगे। नीचे के लाल कलर के धागे से हम उसी प्रकार से एक ऊपर से और एक नीचे से इस प्रकार से पाइपिंग करेंगे। फिर हम ऊपर से और एक नीचे से धागा लेंगे। इसी प्रकार से हम फिर से ऊपर से धागा लेंगे और फिर नीचे से धागा लेंगे। इसी प्रकार से हम सारी डिजाइन बना लेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे बाकी के जो बचे हुए धागे हैं उनको हम कैंची की सहायता से कट कर देंगे। फिर हम सारे धागे लाइटर की सहायता से स्टिक कर देंगे।
हमने सारे धागे स्टिक कर दिए। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ के धागे कट करके स्टिक कर लिए हैं। अब गणेश जी को हम सीधा कर लेंगे। जितने धागे गणेश जी के हमने नीचे बचा दिए थे उनमें से एक धागा को हम छोड़ के दूसरा धागा हम इसी प्रकार से कट कर देंगे। इसी प्रकार से हम एक धागा छोड़ेंगे और फिर उसके बाद जो दूसरा धागा है हम उसको कट कर लेंगे। इसी प्रकार से हम दोनों तरफ धागे कट कर लेंगे। जो हमने कट किए थे धागे उनको हम लाइटर की सहायता से स्टिक कर देंगे। जितने धागे हमने काट लिए हैं उनको हम लाइटर की सहायता से स्टिक कर लेंगे। इसी प्रकार से हमने सारे धागे कट करके स्टिक कर लिए हैं दोनों तरफ। अब हमने गणेश जी को उल्टा कर दिया है। अब हमने एक बड़ा सा धागा लिया है उसको हमने इसमें ऐड कर लिया है। इसे क्या है जो बीच में जो फासला हो रहा था वो हमारा भर गया है। अब हमने बीच के धागे को कट कर लिया है। उसमें हमने एक हरे कलर का मोती डाल लिया है, रेड कलर का एक गदा मोती है लटकन, उसको हम लाइटर की सहायता से इस प्रकार से स्टिक कर लेंगे। फिर से हमने हरे कलर का एक मोती लिया हुआ है, हमने उस धागे में डाल लिया है। फिर हमने एक लाल कलर का गदा मोती लिया है। इस प्रकार से हम थोड़ा थोड़ा ऊपर करते हुए कट कर लेंगे और लाइटर की सहायता से हम स्टिक कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने एक नीचे का जो सबसे पहले हमने गद्दा लटकन डाला था वो हमने उस थोड़ा सा नीचे रखा था, दूसरा हमने थोड़ा सा ऊपर रखा है। इसी प्रकार से हम दूसरी तरफ इसी प्रकार से डाल के हम गद्दा लटकन कैंची की सहायता से हम कट कर लेंगे और इस प्रकार से हम स्टिक कर देंगे लाइटर की सहायता से। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम सारे धागों में इसी प्रकार से डाल के हम सारी लटकन कंप्लीट कर लेंगे।